तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद उनकी पार्टी एआईएडीएमके ने दावा किया है कि अम्मा की बीमारी और फिर निधन की खबर सुनकर दुख और सदमे की वजह से 77 लोगों की मौत हो गई है। इस बाबत पार्टी की ओर से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा खबर यह भी है कि जयललिता के निधन के बाद कथित रूप से आत्मदाह का प्रयास करने वाले पार्टी पदाधिकारी और खुद की उंगलियां काटने वाले व्यक्तियों को भी पार्टी की ओर से 50-50 हजार रुपए देने की योजना है। एआईएडीएमके ने इस मामले में विज्ञप्ति जारी की है। आपको बता दें कि 22 सितंबर को तबियत बिगड़ने के बाद जयललिता को तमिलनाडु के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 75 दिनों बाद अपोलो अस्पताल में ही जयललिता ने 5 दिसंबर को आखिरी सांस ली थी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसके पहले जब 1996 में जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने पर जेल जाना पड़ा था और तब भी कथित तौर पर दुखी होकर उनके कई समर्थकों ने अपनी जान दे दी थी। तमिलनाडु में जयललिता को जनता भगवान की तरह पूछती है और यही वजह है कि अम्मा की तबीयत बिगड़ने की खबर से ही समर्थकों के बीच शोक की लहर थी और अब अम्मा का ना होना उनकी जनता के लिए मानो ऐसा है जैसे किसी बच्चे के सर से माँ का साया उठ जाना। देखते रहिए डीबी लाइव।